तो हे गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहन टेक विद फैंटेसी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक ट्वीट किया गया था। तो दोस्तों, हमने एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया था और उसके जरिए हम आपको एक मैसेज दिया था कि दोस्तों, आप 87 रुपये में 1K व्यू किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हम इस पर एक फुल वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड हम आज आपको एक फुल वीडियो बना के दे रहे हैं कि आप 1K व्यू आप 87 रुपये में मात्र किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आपको साइन अप करना है, किस प्रकार से आपको रजिस्टर करना है, ये सब सारा प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी ट्रिक लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आपको ले जाएंगे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, वहां पर दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से इस सोशल मीडिया का उपयोग करके आप वहां से आप व्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो दोस्तों, हम आपको वहां पर रजिस्टर किस प्रकार से करना है और वहां पर आपको पासवर्ड किस प्रकार करना है, सारा कुछ डिटेल हम आपको वहीं पर जाके बताएंगे। वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और सारा कुछ हम बताएंगे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हम पफिन ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम पफिन ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि मेरे मोबाइल पे पफिन ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पफिन ब्राउज़र को लिख लेते हैं, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही हमारा पफिन ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा उसका प्रोसेस हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नेट का प्रॉब्लम स्लो है, इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा ब्राउज़र है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हमारा पफिन ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है और जो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो सोशल मीडिया हब है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोशल मीडिया हब है ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें आपको साइन अप किस प्रकार करना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना एक यूजर नेम डालना है, आप कुछ भी अपना यूजर नेम रख सकते हैं, जैसे रोहन कुमार, मोहन कुमार, कुछ भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूजर नेम 123, उसके बाद रोहन लिख लेते हैं। वहाँ ये सब लिखने के बाद आपको आना है नेम पे। नेम पे आपको अपना नाम लिखना है, आप अपना फुल नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर रोहन कुमार लिख रहा हूँ। यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपको अपना प्रोफेशनल भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ईमेल आईडी डाल लेते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर को रजिस्टर करना है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम एक फ़ोन नंबर लिख दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पासवर्ड किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चार नाम लिख के रख लेना, एक पिंकी, क्वीन, सिक्स, कुमार और संजय। इन्हीं में से आपको दो दो अक्षर लेना है, जैसे कि यहाँ पर PIKE QU6KUSA, ये हो गया आपका पासवर्ड और इसे आपको यहाँ पर डालेंगे। अगर आप इस प्रकार से अगर पासवर्ड क्रिएट नहीं करेंगे चार नाम लेके, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनेगा और इसमें आप साइन अप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से यहाँ पर टिक लगा के साइन अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले से साइन अप करके रखा है, इसलिए हम यहाँ पर साइन अप नहीं कर रहे हैं। हम इसमें जाएंगे डायरेक्ट और यहाँ पर हम साइनिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले साइनिंग करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना यूजर आईडी डाल लेंगे, यूजर नेम जो हमने डाला था। उसके बाद
तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो हमने अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम अपना यूजर नाम नेम यहाँ पर डाल लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल लिए डालेंगे अब तो हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। अब हम इसमें साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करते ही ये जो हमारा टैब है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जाना है कैटेगरी में। कैटेगरी में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टाग्राम से रिलेटेड हर कुछ आपको देखने का है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ जाना है यूट्यूब व्यू पर। यूट्यूब व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ यहाँ पर हम जाएंगे, उसके बाद फिर से यूट्यूब व्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो आप देखना है कि आप किसी तरह का कैंपेन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 87 रुपये में 1K व्यू, 108 रुपये में 1K व्यू, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यहाँ पर बस आपको अपने वीडियो का लिंक डालना है और आपको कितने व्यू दे ना और न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है, तो आपके जो कैंपियन है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि यहाँ पर आपको फंड कैसे ऐड किया जाता है। तो ऐड फंड में जाएंगे। ऐड फंड में जाने के बाद यहाँ पर अमाउंट चूज कर लेते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 500 का अमाउंट चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 500 डाला, उसके बाद ऐड ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक किए, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों हम फिलहाल पेमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसमें पेमेंट ऐड करके अपने व्यू को रन करा सकते हैं।